नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और अभी अभी हमारे संवाददाता हनी सहगल बता रहे हैं कि इस समय मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में। और आपको बता दूं कि इस विधानसभा में जो आजकल बहुत ही गर्म मुद्दा हुआ पड़ा है वो है ओजोन। ओजोन के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से है श्री नरेंद्र शर्मा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि ओजोन एमसीडी के कारण हुआ है, एमसीडी तोड़फोड़ करती है। इस बात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर वार्ड 98 से पूर्व निगम प्रत्याशी श्रीचंद भोरा जी। श्रीचंद जी, सबसे पहले तो एक सवाल बनता है, दिल्ली सरकार कहती है कि राशन डोर टू डोर पहुंचाया जाए, लेकिन मोबाइल में 24 ने जो क्षेत्र का सर्वे किया तो पता लगा आधी से ज्यादा दुकानों पर ताला था। और एक दुकान ऐसी प्राप्त हुई जहाँ पे दुकान बंद थी लेकिन राशन की बोरियां बाहर पड़ी थी और लोगों का कहना है कि हमारे घर में राशन नहीं पहुंच रहा। तो किस विभाग पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने चले जाते हैं? हमने जो सर्वे करा उस सर्वे को हम एक महीना पहले निकल चुके हैं। ये दुकानदार और अधिकारी दोनों की मिली भगत से आज राशन में घोटाला हो रहा है। हम डोर टू डोर की बात क्यों करते हैं? हम इसलिए तो डोर की बात करते हैं कि जो लोगों का अधिकार है उनको मिलना चाहिए, राशन उनके घर पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो गरीबों के द्वारा आम आदमी पार्टी जो बनी है सरकार दिल्ली के अंदर, ये आम जनता के द्वारा बनी गई है। हम चाहते हैं कि जनता का काम उनके घर बैठे हो। ये जो जितने भी दुकानें हैं मेरे वार्ड में, खासकर जयपुर वार्ड के अंदर, इनको मैं पहले भी चेतावनी कई बार दे चुका हूँ, अधिकारी को बाकायदा लिखित में और इनके फोटो में लेके आया था, लेकिन ये अधिकारी वही बैठे हुए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं। पिछले 60 साल से 70 साल से जो दिल्ली में के अंदर केंद्र के अंदर शासन कर रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस। सर, राशन घर से घर पहुंचाना वो बात अलग है कि लोगों को घर के घर पहुंचाया जाएगा, बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी, लेकिन राशन की जो दुकानें आप कह रहे हैं अधिकारी की मिली भगत है, क्षेत्र के विधायक क्षेत्र का मालिक होता है, क्या क्षेत्र के विधायक को नहीं दिख रहा लोग परेशान है? हम घूम रहे हैं, विधायक घूम रहे हैं, बात एक ही है। लेकिन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी राशन खोल जो लोग बैठे हुए हैं, ये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, ये पिछले 40 साल के 20 साल के राशन को लेकर दुकानें लेके बैठे हुए हैं, और वो एक ही चीज उन्होंने ठान रखी है कि हम आपकी पार्टी को कैसे बदनाम करें, गरीबों को हम राशन नहीं देंगे। अगर गरीब को राशन नहीं मिलेगा तो सरकार किसकी है? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है। बदनाम कौन होगा? विधायक होगा। बदनाम कौन होगा? यहाँ के पास जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। लेकिन मैं बताना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम के अंदर हम इन राशनखोरों को सबक सिखाने वाले हैं। इनकी दुकानों को अगर अधिकारी सील नहीं करेंगे, अगर अधिकारी गरीबों को राशन नहीं दिलाएंगे, तो हम खड़े होंगे सारे कार्यकर्ता और एक एक गरीब आदमी को राशन देंगे। सर, सील की आप बात कर रहे हैं, सीलिंग का मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान है, कुछ भी सील कर देती है सरकार, इसके कारण आपको क्या कहना है? क्या सीलिंग का मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं जा रहा, लोग काफी ज्यादा परेशान नहीं है? सीलिंग तो 2007 में भी हुई थी। किसके सरकार में हुई थी? कांग्रेस की सरकार में हुई थी। केंद्र सरकार किसकी बैठी थी उस समय? कांग्रेस की बैठी हुई थी। क्यों नहीं लाया अधिवेशन वहां उस समय क्यों प्रस्ताव पास नहीं करा सीलिंग के लिए? व्यापारी को क्यों फायदा नहीं दिलाया? तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये घेरने के चक्कर में लगे होते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली के अंदर आई थी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की मौला गिरने की बात हो, हम उस पर खड़े उतरे हैं। अगर सीलिंग आती है किसके अंदर आती है? एमसीडी के अंदर आती है। अधिकार किसको चालान करने का? एमसीडी का, एमसीडी के अधिकारी को है। दिल्ली में राशन अगर दुकानों को लाइसेंस देगा तो एमसीडी लाइसेंस, तो इसको सील को रोकेगा कौन? तो एमसीडी को रोकेगी। प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है? और प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी लेती है। वो सारा टैक्स इनके अधिकारी इनके डिपार्टमेंट को जाता है, एमसीडी को जाता है। महेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी वाइफ अभी निगम पार्षद है। उन्होंने एक बयान दिया था हमारे चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र के विधायक और क्षेत्र के आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। और दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था कि मोहल्ला क्लिनिक जो विधायक ने जयपुर पार्टी को बनाया है, उस जगह पे एक अच्छी खासी डिस्पेंसरी होती थी, क्षेत्र में जितनी भी डिस्पेंसरी है उनकी हालत ना सुधारने के अलावा एक नया मोहल्ला क्लिनिक खड़ा कर दी। देखो, मैं हनी जी कहना चाहता हूँ कि 5 पार्षद हैं यहाँ पे, 4 पार्षद बीजेपी के, 1 कांग्रेस। पार्षदों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी विधायक की या दिल्ली सरकार की है। पार्षद को किसने चुना जाता है? कि वो सफाई करे, छोटी छोटी डिस्पेंसरी दें, 5वीं क्लास तक का स्कूल खोले, उनको मोहल्ला क्लिनिक दिख रहा है। आप अपने क्लिनिक क्यों नहीं खोलते क्षेत्र के अंदर?
आप एमसीडी के द्वारा क्यों योजना नहीं ला रहे आप? आपको सारा काम आपका सांसद काम ना करे, साउथ दिल्ली के अंदर आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते हो, दिल्ली सरकार काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं कि हमें जो हाई कोर्ट से हमें जो जीत मिली है कि हर 2 किलोमीटर पर मोहल्ला क्लिनिक होगी, हम उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। आप चारों के चारों हम लोग पार्षद हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक सॉरी हम मोहल्ला क्लिनिक खोले तो आप एक छोटी डिस्पेंसरी तो खोल सकते हैं एमसीडी के नाम पे। आप लोगों को क्या सुविधा देना चाहते हैं? खाली नाली साफ करना ही आपका काम है? आपके लिए और आपके क्षेत्र में कोई अधिकार में कोई काम नहीं होता? उनका कहना है पार्षदों का कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अपना फंड जरा सा भी लगा सकते, फ्लड के नाले विधायक साफ करेगा, जबकि विधायक ने कुछ भी नाले को सफाई नहीं की है। ये बड़ी हंसी की बात आती है कि भाई हम उस कॉलोनी में काम नहीं करा सकते, हम उस कॉलोनी में काम नहीं करा सकते। जब काम नहीं करा सकते तो फिर वोट क्यों मांगते हैं? आप कहेंगे वो बोले कि हम जिस कॉलोनी में जाएंगे जिस कॉलोनी में काम करेंगे खाली वहां वोट मांगने हैं। आपकी नियत होनी चाहिए काम कराने की। आज आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, मेरे जयपुर वार्ड के अंदर चले जाओ, चाहे आप हरिनगर वार्ड में चले जाओ, नालों की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हुई पड़ी है, वहां कूड़े ज्यादा पड़े हुए हैं। ये आप बात करते हैं सफाई अभियान की, मैं कहता हूं कि ये अपना काम तो करें, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले जब कहते हैं कि एक उंगली उनकी तरफ होती है चार उंगली अपनी तरफ भी होती है, तो आप भी तो काम की। सर ओजोन बहुत ज्यादा छिड़ा पड़ा है क्षेत्र में, बहुत ही गर्म मुद्दा है कि ओजोन लगा था, ओजोन कोई कहता है कांग्रेस लाई थी, कोई कहता है बीजेपी लाई थी, कोई कहता है विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहा, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो ओजोन जो है वो केंद्र के में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जो उनका सारा सारा मैटर जो है एनजीटी के अंदर चल रहा है, और उसमें पार्टी यह है डीडीए, और डीडीए किसके अधीन है? बीजेपी के अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन है डीडीए। डीडीए उसका एक निशानदेही करे, जिस दिन डीडीए के अधिकारी निशानदेही कर देंगे उधर, सांसद जी अगर खुद यहां आगे निशानदेही कर दें, निशानदेही करने के बाद उसको कोर्ट में पेश कर दें, तो मैं कहता हूं कि उस दिन ही वो जो क्षेत्र से हट जाएगा।